हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस ये टेंस का ही पार्ट है, पास्ट का यह पार्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि या तो एकेडमिक एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, टेंसेज का बहुत बड़ा महत्व है इंग्लिश सीखने में या इंग्लिश को समझने में। तो ये काफ़ी हद तक जो ये टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपको आपके एकेडमिक एग्ज़ाम और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में मदद करेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं असाइनमेंट का भी लिंक दे दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके और अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं उसे बना करके। तो आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। और सबसे पहले इसका फॉर्म है, फॉर्म इसका क्या होता है, देखिए पॉजिटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और क्वेश्चन में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्म है। और आप ये भी दिमाग में आपके आ रहा होगा कि भाई सिंपल पास्ट का भी पैटर्न लगता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे पास्ट परफेक्ट का यही पैटर्न होता है। आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। और इसका पहला यूज है, देख सकते हैं यहाँ पर, कि द पास्ट परफेक्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया डेट समथिंग अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। यानी पास्ट परफेक्ट जो है उस विचार को व्यक्त करता है जिसमें यह बताया गया होता है कि कुछ घटित हुआ, यानी कि किसके पहले, तो कोई घटना पास्ट में हुई थी उसके पहले कुछ घटित होता है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जो घटना ये बाद में होती है इसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल पास्ट जो है वो बाद की घटना के लिए, और जो पास्ट परफेक्ट है वो हम करते हैं पहली जो घटना घटित होती है पास्ट में उसके लिए। यानी कि दो घटना घटित होती है पास्ट में, तो जो पहले घटित होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में घटित होती है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट है वो क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट होता है, यानी कि पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। यानी जब पास्ट में दो कार्य हुए होते हैं तो जो पहला कार्य होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं, और जो बाद में होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। इट कैन ऑल्सो शो दैट समथिंग हैपेंड बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम। यह भी दिखा सकता है कि कुछ जो है घटित हुआ बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी कि किसी खास समय के पहले, किसी खास समय दिया गया है उसके पहले कोई चीज़ घटित हुआ, तो उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल है यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स, कि आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। तो मैं अपना वॉलेट यानी बटुआ खो दिया था, इसलिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो यानी जो बटुआ खोने का काम कब हुआ था, यानी पैसा अभी पास्ट में ही मैंने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, और आपका जो वॉलेट है वो कब खोया हुआ था, तो वो यानी कि पैसे न होने से पहले, यानी कि जो आपने जब कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है उसके पहले जो है वॉलेट चुरा लिया गया था। तो यहाँ पर देखिए ये पहला काम हुआ है वॉलेट के खोने का, तो इसलिए इसके लिए पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वी थ्री, और ये जो बाद में हुआ है इसके लिए सिंपल पास्ट यानी डिड नॉट प्लस वी वन, ये नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वी वन हो गया, अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो वी टू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि हैड दे एवर स्टडीड इंग्लिश, क्या उन्होंने कभी इंग्लिश पढ़ा, बिफोर दे वेंट टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड जाने से पहले। तो यहाँ जो है इंग्लैंड जाने का काम कब हुआ है, तो पास्ट में बाद में हुआ है, और पूछा कब जा रहा है तो पहले किया, यानी कि जाने से पहले क्या उसने पढ़ा है। तो पहला जो काम है वो यहाँ पर उसके लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री यहाँ, और यहाँ पर देख लीजिए बाद में वाला जो काम है उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वी टू यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ तीसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सी अंडरस्टूड द मूवी बिकॉज सी हैड रीड द बुक, यानी कि उसने मूवी को समझा क्योंकि वह किताब पहले पढ़ चुकी थी। तो यहाँ पर जो है यानी किताब के पढ़ने का काम पहले हुआ है और देखने का काम बाद में हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है पहले जो काम है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो पहले और बाद में जो काम हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट, यानी जो पहले काम हुआ है पास्ट परफेक्ट और बाद में जो काम हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूज की तरफ। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कह रहे हैं कि यूज द पास्ट परफेक्ट टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ये दिखाने के लिए करते हैं कि कुछ कोई चीज़
पास्ट में शुरू हुआ एंड कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर एक्शन इन द पास्ट, और दूसरा जो कार्य हुआ पास्ट में वहां तक जारी रहा, है ना। यानी कंटिन्यू अप अंटिल अनदर एक्शन इन द पास्ट, और दूसरा जो पास्ट में काम हुआ, सेकेंड जो काम हुआ वहां तक जारी रहा, उसके बाद से दूसरा काम हो गया। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, वी हैड हैड दैट कार बिफोर, सॉरी, वी हैड हैड दैट कार फॉर 10 इयर्स बिफोर इट ब्रोक डाउन, यानी कि खराब होने से पहले हमारे पास गाड़ी कितने दिन से थी, तो यानी 10 सालों से थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक्शन जो था हमारा कितना दिन से था, तो 10 साल से था, और दूसरा यानी कि दूसरा होने से, यानी कि कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर एक्शन इन द पास्ट, और दूसरा एक्शन जो खराब हुआ, तो इसके पहले तक जो काम हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट, और अब जो हुआ यानी कि इसके बाद उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। फिर यहाँ देखिए, दे फेल्ट बैड अबाउट सेलिंग द हाउस बिकॉज दे हैड ओन्ड इट फॉर मोर देन, यहाँ पर होना चाहिए लिखा गया है, देख लीजिए थोड़ा सा, मोर देन 50 ईयर्स, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि दे फेल्ट बैड अबाउट सम अबाउट सेलिंग द हाउस बिकॉज दे हैड ओन्ड इट फॉर मोर देन 50 ईयर्स, यानी कि उनको बुरा लगा घर बेचने पर, क्योंकि उनके पास ये घर 50 साल से अधिक समय से था। यानी कि यहाँ जो पहला जो काम है वो है 50 साल पहले से था, और दूसरा जो है यहाँ पर कि उन्हें बुरा लगा। तो ये जो एक काम यहाँ, दूसरा काम कब शुरू हुआ है, जब जब मतलब कि एक काम कंटिन्यूड रहा है कुछ समय तक, मैंने पास्ट के दूसरे काम होने से पहले तक ये कंटिन्यूड रहा है, और उसके बाद से पास्ट में दूसरा काम हुआ है। तो जो पहले काम हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरा काम हुआ उसके लिए यहाँ पर सिंपल पास्ट। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस रिलेटेड, अगर इस स्ट्रक्चर को आप दिमाग में रखते हैं तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कोई समस्या नहीं होने वाली है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपको यहां पर दिया हूं, इसे आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, इसे अगर अच्छी तरीके से समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी समस्या पास्ट परफेक्ट में नहीं होने वाली है। आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को पास्ट परफेक्ट से संबंधित बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो पहला है कि फर्स्ट एक्शन, यानी जो पहला काम है, जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है, अब प्लस बिफोर है, उसके बाद से आता है सेकंड एक्शन, तो वो सिंपल पास्ट में होगा। यानी फर्स्ट एक्शन बिफोर से जुड़ेगा, उसके बाद से जो सेकंड एक्शन होगा उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देख लीजिए, आई हैड रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल, मैं एग्जामिनेशन हॉल पहुंच चुका था बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले। तो जो पहला एक्शन है यानी कि पहुंचना है, दूसरा एक्शन शुरू हुआ था, या दूसरे एक्शन के लिए क्या है सिंपल पास्ट, और पहले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट। सेकंड इसका देखिए, सेकंड नंबर इसका जो रूल है वो है सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में ही होगा, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया है, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में होगा, फिर आफ्टर रहेगा, प्लस के बाद आफ्टर, और आफ्टर आने के बाद यानी कि फर्स्ट एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट। यानी कि सेकंड एक्शन प्लस आफ्टर प्लस फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट, आफ्टर फिर प्लस फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट। जैसे यहाँ आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब कि मैं एग्जामिनेशन हॉल पहुंचा आफ्टर द एग्जाम हैड स्टार्टेड, मतलब एग्जाम शुरू होने के बाद, यानी कि पहला जो काम था एग्जाम शुरू हो गया था तब मैं पहुंचा, दूसरा काम ये हुआ। तो दूसरे काम के लिए सिंपल पास्ट टेंस, और पहले काम के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए बाय द टाइम प्लस सेकेंड एक्शन, बाय द टाइम के बाद सेकेंड एक्शन होगा तो सिंपल पास्ट में रहेगा, और उसके बाद से देखिए फर्स्ट एक्शन ये रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, बाय द टाइम द मैच स्टार्टेड एवरीवन हैड टेकन देयर सीट्स, यानी कि जब मैच शुरू हुआ सब कोई अपना सीट पकड़ चुका था, यानी कि पहले सीट पकड़े थे फिर मैच शुरू हुआ। तो सेकेंड एक्शन जो है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस, बाय द टाइम के बाद सेकेंड एक्शन आता है, फिर उसके बाद से फर्स्ट एक्शन आता है, बाय द टाइम के बाद सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट टेंस, और फर्स्ट एक्शन आपका आ जाता है क्या, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको आपका असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप वहाँ से बनाएं, और बनाने के बाद मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप अपना वहाँ कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।